हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छायास किचन। आज हम बनाएंगे बाजरे के आटे की कुल्हड़। अभी श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है और श्रावण महीने में नाग पंचमी और शीतला सातम आती है, तो इस दिन के लिए हमें भगवान को भोग चढ़ाने के लिए ये कुल्हड़ बनानी होती है। ये सिंपल 3 इंग्रेडिएंट से बनती है। देखिए ये कितनी सॉफ्ट होती है और आसानी से ये टूट जाती है। बाजरी के कच्चे आटे से ये बनाई जाती है, सुपर सॉफ्ट है। आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं या फिर ऐसे पीस में भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसकी रेसिपी। नई रेसिपी देखने के लिए छायास किचन को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले आपको नई रेसिपी देखने को मिले। कुल्हड़ बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 कटोरी बाजरी का आटा, छान के लिया है ये 1 कटोरी मैंने गुड़ लिया है, और 1/2 कटोरी जितना मैंने घी लिया है। गुड़ को हमें पहले से ही एकदम बारीक छीन लेना है। अब हम शुरुआत करते हैं। तो एक बाउल में हम सबसे पहले आटा ले लेंगे और उसमें ही हम सारा गुड़ डाल देंगे। गुड़ को मैंने बारीक कट करके लिया है और फिर हम इसको हाथ से अच्छे से मसल लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी चला ले सकते हैं, जिससे कि सब मिक्स हो जाए। गुड़ सॉफ्ट होता है तो हाथ से भी वो एकदम मिक्स हो जाता है। तो अब हमारा आटा और गुड़ मिक्स हो चुके हैं, तो अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। हम एक साथ सारा घी नहीं डाल रहे हैं, आधा आधा करके डालेंगे। थोड़ा मिक्स हो जाए फिर हम दूसरा भी ऐड कर लेंगे। अभी भी मैं थोड़ा घी रहने दूंगी, लास्ट में हम ऐड करेंगे। थोड़ा अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। देखिए अब हम बाकी का घी भी ऐड कर देंगे। एकदम हमारा परफेक्ट माप है ये, इससे आपकी कुल्हड़ एकदम सॉफ्ट और परफेक्ट बनेगी। आप चाहे तो इसके आप लड्डू भी बना सकते हैं। ये देखिए ऐसे मुट्ठी करने से ये फिट हो जाना चाहिए, तो हमारी कंसिस्टेंसी ठीक है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। सारे आटे को हम प्लेट में निकाल के हाथों से ही प्रेस कर लेंगे अच्छे से, दोनों हाथों से प्रेस कर लेंगे और फिर 1 कटोरी लेंगे और उससे हम प्रेस कर लेंगे। देखिए ये अच्छे से प्रेस हो चुका है। अब मैं 1 कटोरी लूँगी और उससे अच्छे से मैं इसको दबा दूँगी, तो ये हमारी कुल्हड़ स्प्रेड होके रेडी है। इसको मैं कट्स लगा देंगे हम सुखड़ी के जैसे, नाइफ से इक्वल पार्ट कर देंगे हम। इसको बहुत ज़्यादा रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाती है। तब हमने इसको कट लगा दिए हैं, 10 मिनट के बाद हम इसे कट करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसे निकालते हैं। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, आप चाहे तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं। साइड वाले पोर्शन को मैं साइड में रख दूंगी और हम इसे निकाल के दूसरी प्लेट में सर्व करेंगे। देखिए बहुत ही आसानी से ईजीली इसके पीस निकल रहे हैं और ये बहुत ही डेलिकेट है क्योंकि मैंने इसकी सुखड़ी करी है। तो इसको हम प्लेट में रख देंगे और ऐसे ही मैं बाकी के पीस निकाल लूँगी। बाकी के पीस को भी हम प्लेट में रख देंगे। तो हमारी कुल्हड़ रेडी है, तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए। एकदम इजी रेसिपी है, लड्डू तो सब बनाते हैं, आप इसे सुखड़ी की तरह बनाइए और भगवान को भोग चढ़ाइए। तो ये हमारी रेसिपी नागपंचम और शीतला सातम के लिए है। ये हमारी कुल्हड़ रेडी है, आप इसे 4 से 5 दिन तक स्टोर कर सकते हो और ये टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप इसे ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स और मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड। बाय बाय।